हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सूखी सब्जी, जो आप रोटी पराठा कोई भी चीज के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोया बड़ी को हमने लिया है, ये तीन लोगों के लिए बना रहे हैं। ये सोया बड़ी को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको डाल देंगे और सॉफ्ट होने तक बॉयल होने देंगे। आप गर्म पानी में डाल के 5 मिनट के लिए सोक होने के लिए छोड़ देंगे तो भी सोया बड़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से बॉयल हो गया है और सोया बड़ी सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको छान के पानी हटा देंगे और सोया बड़ी के पानी को निचोड़ के हमने ले लिया है। एक कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा जीरा और 1 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको थोड़ा सा फूटने देंगे, उसके बाद सोया बड़ी को डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम में भून लेंगे। इस तरह से सोया बड़ी को भून कर बनाएंगे तो सोया बड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सोया बड़ी का जो एक अलग सा स्मेल होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है, सोया बड़ी भून गया है, तो इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसको गर्म होने देंगे। बारीक कट किया हुआ 5-6 लहसुन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। इसका कच्चापन इससे खत्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बड़े स्लाइस में कट किया हुआ प्याज को ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे और 2 से 3 मिनट हल्का प्याज को सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। उसके बाद इसमें बड़े बड़े स्लाइस में कट किया हुआ शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1/2 इंच अदरक को कद्दूकस करके ऐड किया है और 3-4 हरी मिर्च को डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए बस उतना ही भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये प्याज और शिमला मिर्च को भूनने में 5 से 6 मिनट लग जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए प्याज शिमला मिर्च अच्छे से भून गया है, तो यहाँ पे भुना हुआ सोयाबीन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1/2 छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे और मीडियम फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सोया बड़ी को बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और बनाना भी बहुत ईजी है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है और सोयाबीन का सूखी सब्जी बनके तैयार है। आप इसे मॉर्निंग में झटपट इजीली बना सकते हैं। आपके पास कोई सब्जी नहीं है और मॉर्निंग में झटपट ब्रेकफास्ट बनाना है तो आप इसे इजीली 10 से 12 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सोया बड़ी का ये सूखी सब्जी का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।